नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट और आज हम आपके लिए एक बोध कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है इंसानियत और इसकी रचयिता है मुग्धा। एक एक बार संत धरनी दास अपने शिष्यों को सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ा रहे थे। एक जमींदार का बेहद ही अहंकारी और लापरवाह किशोर बेटा उनको बराबर से कुछ अटपटे और बेकार सवाल करके तंग कर रहा था। बाकी शिष्य उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन संत धरनी दास ने उन्हें मना कर दिया। अब एक अंतराल हुआ और सबको हरे पत्ते पर रखकर हलवा खाने को दिया गया। उस किशोर ने जरा हलवा खाया और उठकर चला गया। संत धरनी दास ने बाकी शिष्यों को संकेत किया, वह उसका पीछा करते गए। किशोर ने हलवा एक साफ जगह पर बिखेर कर चिड़िया की आवाज निकाली। कुछ ही पल में झुंड के झुंड पंछी आए और मीठा हलवा चुग गए। संत धरनी दास ने अब सभी को समझाया कि हर शरारती और खुराफाती में भी एक प्यारा इंसान छिपा होता है। सब कुदरत के प्यारे इंसान हैं।